रमजान के समय में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम बदर के वाक़े के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा तकी मेहदवी साहब, डॉक्टर जमील राठौर, फरहान आपा भी मौजूद हैं, सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी सारिम भाई हमारी एक ऐसी फैमिली से मुलाकात करवाएंगे जिनकी आप और मैं मदद कर सकेंगे। और ये वो महीना है जिसमें एक नेकी का 70 गुना ज़्यादा, मतलब 70 तो हम इंसान ही अपने बता रहे हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में उसका उससे भी कहीं ज्यादा आपको सवाब मिलेगा नेकी करने जी का। नेकी करने का हमें मौका मिलेगा। आज सारिम भाई जो फैमिली आ रही है जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। बेचारा वो तो बड़ा ही मजलूम है इस तरीके से। वैसे तो हर कोई जो बीमार है परेशान है, लेकिन ये अपने रोजगार पे बैठा हुआ एक शख्स जो ग्राहक आए तो उनको लूट रहे थे, तो उसमें बीच बचाव के अंदर जो है गोली चली और उसके किडनी में लगी और एक किडनी उसकी जाया भी हो गई उसके अंदर, और बेचारा चलने फिरने से भी कासिर हो गया। मैंने बड़ा एक अफसोसनाक चीजें हैं। मैं अक्सर ये बात मोबाइल के लिए भी कहता हूँ, हमारी हुकूमत के भी कुछ अजीब अजीब कानून हैं। आप एक फोन पे जो सबसे जो ज्यादा टैक्स ले रहे हैं 1,60,000 रुपए ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं चले आप, लेकिन जब वो मेरा फोन छिन जाता है तो कम से कम वो टैक्स मुझे रिटर्न कर देना। ना मेरा मोबाइल ला के दे रहे हैं ना मुझे टैक्स वापसी कर रहे हैं आप। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए तो सरकार खड़ी हो जाए ना। एक आम बीमारी हो गई, मर गया, छोड़ दें आप, लेकिन जो आपकी नाहली की वजह से इस तकलीफ के अंदर आ रहे हैं उसके लिए तो कुछ करें। सिर्फ ये नहीं, तो इनकी जिंदगी तो बच गई, हालांकि माजूर हो गए, लेकिन इस तरह तो बच्चे बूढ़े हम रोज खबर सुनते हैं कि हवाई फायर हुआ है कहीं पे और कोई मर गया। बिल्कुल ऐसा भाई, लेकिन सारे में इसमें लोगों का भी कसूर है, क्योंकि आप देखिए कि लोग पर्सनली ये फायरिंग करते हैं अपने घरों से, छतों से, और उसका शादियों पे हंगामा करते हैं, किसी को लग जाती है तो हर एक रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद हैरान हूँ कि हम किस तरीके से चांद रात मनाते हैं, हम किस तरीके से न्यू ईयर मनाते हैं, और जरूरत क्या है उस चीज की। और अगर आपने खुशी का इजहार करना है तो एक दूसरे से मोहब्बत है। आप जो गोली हवा में चलाते वो किसी बादल पे जाके लैंड तो नहीं करती, वो वापस आती है। मेरी गाड़ी के अंदर लगी हुई थी बकायदा, वो पूरा छत पे सुराख था। किसी दिन ना हम स्पेशली टॉपिक करेंगे कि वो लोग जैसे खर्च करते हैं, इतना पैसा अगर किसी गरीब को दिया जाए। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल जी। अच्छा तो फरहान, हम जरा दोबारा से जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से आगे चाहेंगे कि आप बढ़ाएं। आप जनाब मिकदाद के हवाले से बात जी, मैं ये कहती कि देखें आप कोई भी आप गजवात ले लें, आप दीगर कोई भी मामलात ले लें, जो बुनियाद है वो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जहाँ पर ईमान होगा, जहाँ पर एक अकीदे की पुख्तगी होगी, वहीं पर कामयाबी होगी और वहीं पर अल्लाह की मदद होगी। और वो जो आपने जिक्र किया कि 313 की बात, तो अगर हम 313 को जमा करते हैं 3+1+3 तो ये 7 नंबर बनते हैं। तो 7 नंबर के हवाले से अगर हम देखें, जो खुद हम जितना हमें नजर आता है या हम महसूस करते हैं या हम समझ सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई, कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, हम तवाफ करते हैं तो 7 मरतबा कर रहे होते हैं, तो वो जितनी इस तरह की आपको निस्बतें मिलेंगी ना वो 777 मिलेंगी। तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। और फिर जब ये अदद मिलके 7 बन जाते हैं तो फिर कामयाबी जो है वो फिर मुकद्दर बन जाती है। ठीक है फरहान साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगु जा रही है। अच्छा, चूंकि हम हजरत आयशा का भी जिक्र करना चाहते हैं, जमील भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा कि आजकल के जमाने में और हमेशा से हम ये सुनते आए हैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना ये लाजिम है हर मुसलमान पे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अच्छा सलूक करे अपने घर वालों। तो हमें क्या सीखना चाहिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के फजाइल बयान करूँगा, इसलिए कि आज उस हस्ती का यौम वफ़ात है जो अफ़क़हुन नास भी हैं, आलमुन नास भी हैं, जो कि वजहुन नास भी हैं, और जो अहसनुन नास भी हैं, अजबदुन नास भी हैं, अफसहुन नास भी हैं, और अबलगुन नास भी हैं। सही। और फिर मैं उनकी अगर बात करूं तो क्या कहना साहब, वो सैयदा भी हैं, आबिदा भी हैं, जाहिदा भी हैं, वो आतिका भी हैं, वो आफीफा भी हैं, वो अमीना भी हैं, वो सिद्दीका भी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो महबूब रब्बुल आलमीन भी हैं। वो महबूब आए महबूब रब्बुल आलमीन है, यानी सारी कायनात हुजूर से महब्बत करती है और हुजूर फरमाते हैं मुझे आयशा सिद्दीका से महब्बत करता हूँ। और हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा आई हुजूर के पास तो उनके वसीले से क़यामत तक की उम्मत को बताया। आपने फरमाया आई बुनैया तू, ए मेरी बेटी, क़ाला मा तुहिब्बीना मा उहिब्बु, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी जिससे तुम्हारे बाबा मोहब्बत करते। फ़कालत बला, क्यों नहीं, तो आपने फरमाया क़ाला फ़अहिब्बी हाज़ी ही, फिर तुम आयशा सिद्दीका से मोहब्बत करो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और हुज़ूर ने फरमाया ए बेटी, तुम्हारे वालिद को आयशा सिद्दीका
रब काबा की कसम सबसे बढ़कर महबूब है। और पस मंजर तो उसका यह था कि सारी अजवाज ने कहा हुजूर आयशा सिद्दीका ज्यादा मोहब्बत करते हैं, फातिमा जहरा को वकील बनाया कि जाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो फिर आपने ये मुकालमा किया कि तुम इनसे मोहब्बत करो इसलिए कि मुझे ये सबसे बढ़कर महबूब है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया। और फिर उम्मुल मोमिनीन की बात करें चाहे वो जहानत हो चाहे वो ज़कावत हो चाहे वो फतानत हो चाहे वो अमानत हो चाहे वो अदालत हो चाहे वो उनकी जो है इनायत हो चाहे कि वो सखावत हो चाहे वो सियासत हो चाहे वो मुआशरत हो हुस्ने सीरत हो या हुस्ने सूरत हो हर चीज के अंदर कमाल पर औज पर और यदे तूला नजर आती है। और मैं समझता हूँ ख्वातीन से उनको सीखना चाहिए। और आका करीम अलैहि सलातु व तस्लीम का तरीका था आप उम्मुल मोमिनीन को फरमाया करते थे उम्मुल मोमिनीन फरमाती कि मैंने कभी नहीं देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के मुजाहिद हैं रात के आबिद हैं पूरी रात इबादत करते हैं दिन में जिहाद करते हैं पूरी दुनिया के अतराफ व अकनाफ के लोग हुजूर को मसले बताया रसूलल्लाह ये प्रॉब्लम या रसूलल्लाह ये परेशानी सबकी परेशानी सुनकर जब घर में आते हैं तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार घर पे आए और आपके माथे पर रिंकल्स हो मैंने जब भी देखा है सरकार ने झिलमिल हटाई है तो आपकी मुस्कुराहट से मेरा दौलत कदा रोशन हो गया। ये देखिए आजकल के लोगों को सीखने की कितनी मौका है कि जब आप घर जाते हैं अपने आप अपने फैमिली में जाते हैं तो आप मुस्कुराइए और ज्यादातर जाते लोग थके हुए और गिला शिकवा जाके घर पे ही कर रहे होते हैं और हुजूर फरमाया करते थे जब भी आप लकब क्या था या हुमैरा हुमैरा का माने सुर्ख सफेद आप फरमाते या हुमैरा या रूही या रईहानी तुम मेरा फूल हो ये वो अलकाबात हुमैरा लकब तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ जो आका करीम अली सलातु व तस्लीम दिया करते थे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका मैं समझता हूँ इतनी बड़ी अफ़क़हुन नास है फ़कीह आलम है कि बड़े बड़े फ़कीह सहाबी भी आपसे सीखते हुए नज़र आ रहे हैं जिनमें हज़रत अबू मूसा अशअरी भी हैं हज़रत इब्ने अब्बास भी हैं हज़रत इब्ने उमर भी हैं और 200 से ज़ायद सहाबा और ताबईन आपकी शागिर्दी थी आपके तलामीज़ा थे और 2210 अहादीस मुबारक आपसे मरवी हैं चाहे वो जिहाद के मामलात हों चाहे वह नमाज के मामलात हों चाहे वह हज के मामलात हों चाहे अहले बैत के फजाइलो मनाकिब की अहादीस मुबारक हों अक्सर अहले बैत के अहादीस मुबारक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जनाब खदीजा कुबरा की भी जो दिन हम बात कर रहे थे तो वो जनाब खदीजा कुबरा की भी हजरत आयशा ने बताया कि किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किस तरीके से उनकी तारीफ करते थे। फिर एक बार हजरत आयशा ने बताया कि मैं अपने वालिद के साथ बैठी थी और मैंने देखा कि वहाँ पे अली मौजूद थे और मेरे वालिद उनको देख रहे थे तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप क्या देख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने रसूल पाक से सुना नहीं कि अली को देखना भी इबादत है। तो बहुत सारे जो हम अहले बैत के फजाइल सुनते हैं वो जनाब आयशा से ही एक ब्रेक पे जाएंगे हदीस का मैं भी जिक्र करूंगा इंशाल्लाह वापस आके हमारे साथ रहिए देखते रहिए रमजान का समा।